नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि 92 संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान में जो चार भाषाओं को जोड़ा गया वो भाषा कौन कौन सा है। क्योंकि कभी कभी देखिएगा, भारतीय संविधान से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस संविधान संशोधन में कौन भाषा जोड़ा गया, इससे संबंधित सवाल है, और वो संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चूंकि भाषा बहुत सारा ऐड हुआ है तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन किस में होगा, तो एक टेक्निक के माध्यम से यदि आप उसको अप्रोच करते हैं तो अधिक दिनों तक याद रहेगा। तो सबसे पहले आइए आप देख लीजिए, ये 92 संविधान संशोधन जो हुआ था, यानी 92 संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था, तो 2003 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू रे? 2003 में। तो क्लियर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 92 में यानी 92 संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2003 में हुआ। और इस संविधान संशोधन में आपको जी आठवीं अनुसूची है, क्योंकि भाषा के बारे में किस अनुसूची में वर्णन है भाई, तो भाषा के बारे में आठवीं अनुसूची में वर्णन है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि स्टैटिक जीके टाइप का ये क्वेश्चन है, एकदम इन तरह के वीडियो को एकदम आप लोग देखिए और लगातार हर तरह के वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे पूरी पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इस तरह का सवाल पूछता है कहता सर सिलेबस में नहीं था। अरे बुढ़बक, जब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में तो इस तरह से भी आपको हर संशोधन के बारे में कौन भाषा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो अभी एक मिनट समय दीजिए, 100% आपका ये क्लियर हो जाएगा कि 92 संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2003 में हुआ। किस अनुसूची में भाषा को जोड़ा जाता है, तो आठवीं अनुसूची में भाषा को जोड़ा जाता है। कितना भाषा जोड़ा गया, तो इस संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था इसमें चार भाषा को जोड़ा गया। कै गो को? चार गो को जोड़ा गया। कौन कौन? तो ध्यान देंगे, एक बेहतर सा ट्रिक लिखेंगे और आपको याद हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है ध्यान से सुनेंगे, वो ट्रिक आपका हो जाएगा इसमें, मैं बॉस को डॉगरी सिखाऊंगा, मैं बॉस को डॉगरी सिखाऊंगा, डॉगरी सिखाऊंगा। क्लियर हो गया, मैं बॉस को क्या सिखाऊंगा? डॉगरी सिखाऊंगा। अब डोगरी क्या है भाई? तो ये अपने एगो भाषा है जो 92 संविधान संशोधन में आपके आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। और कौन कौन सा भाषा है ध्यान दीजिएगा, मैं से हो गया मैथिली। क्वेश्चन पूछेगा कि मैथिली भाषा भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, 2003 में जोड़ा गया, किस संशोधन के तहत, तो 92 संविधान संशोधन के तहत। बो से क्या हो गया? बोडो। मैथिली हो गया, बोडो भाषा हो गया। सौ से क्या हो गया? संथाली। सौ से क्या हो गया भाई? संथाली। और डोगरी तो पूरा लिख ले है, क्योंकि मालिक को क्या सिखाना है, बॉस को क्या सिखाना है? डोगरी। तो क्लियर हो गया, मैं बॉस को डोगरी सिखाऊंगा, मैं बॉस को डोगरी सिखाऊंगा। मैथिली, मैं से मैथिली, बॉस से आपको बोडो और संथाली, बो से बोडो, सौ से संथाली, डोगरी तो लिखा हुआ था। तो 92 संविधान संशोधन में क्या भाषा जोड़ा गया? चार भाषा जोड़ा गया। ये संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। क्या भाषा जोड़ा गया? चार गो। किस अनुसूची में? तो भाषा का वर्णन आठवीं अनुसूची में है, जिसमें भाषाओं को ऐड किया जाता है। ये चारों भाषा कौन कौन है? तो मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। अब ट्रिक क्या है? तो मैं बॉस को डोगरी सिखाऊंगा, मौसे मैथिली, बौसे बोडो, सौसे संथाली, और डोगरी से डोगरी। तो मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, ये सब भाषा किसमें? 92 संविधान संशोधन में चार भाषा को जोड़ा गया। कब? तो 2003 में। याद हो गया, उम्मीद करते हैं कि 100% आपको ये याद हो गया होगा, ये कब हुआ और कौन कौन भाषा जोड़ा गया। थैंक यू वेरी मच, आज की सेवा तक। फिर इसी तरह का वीडियो लेकर अगली क्लास में भी आएंगे, आप लगातार फॉलो कीजिए। और ध्यान दीजिएगा, रात के 8 बजे रेगुलर वीडियो लाइव रहती है आपका न्यूमेरिकल का, और जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम आगे है या आगे कोई भी एग्जाम है, अब हर एग्जाम देखिए, एयरफोर्स का भी कल परसों एग्जाम हुआ, उसमें भी न्यूमेरिकल पूछ दिया, और हर एग्जाम में अब न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उस सेशन को देखना एकदम नहीं भूलिए। रात के 8 बजे मोबाइल पर आइए निश्चित रूप से, और ज्यादा टाइम हम कहां लेते हैं आपका, सुबह में 9 बजे
पांच दस मिनट का समय लेते हैं, शाम के चार बजे पांच दस मिनट का समय लेते हैं और रात के आठ बजे आधा घंटा का समय लेते हैं। इतना समय यदि आप क्लास की तरह, कोचिंग की तरह यदि आप देते हैं तो निश्चित रूप से समझिए आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।